नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आपको। देश का अन्नदाता आज 14 महीने के सत्याग्रह के बाद जीत गया, लेकिन जीत अभी भी पूरी नहीं है। अभी तो सिर्फ 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है जो लाए गए थे जिसके बाद से किसान का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब भी किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या उन्हें समय पर बिजली मिल रही है? क्या सस्ती बिजली मिल रही है? क्या पानी उन्हें मिल रहा है सिंचाई के लिए? क्या उनकी आमदनी बढ़ रही है? क्या उनकी फसलों का मूल्य मिल रहा है? क्या ये 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद क्या ये सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा? मंथन आज इसी पर, कानून वापसी के बाद। देशवासियों से क्षमा मांगते हैं। हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। देश और उत्तर प्रदेश के किसान लंबे समय से कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। ठीक 1 साल पहले यानी 26 नवंबर को, अभी 26 नवंबर में थोड़ा सा देर है, 26 नवंबर को यहाँ जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था। यानी अभी 1 साल पूरे होने में 6-7 दिन बाकी है। और इसके आज केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से माफ़ी मांगता हूं और 3 कृषि कानून उन्होंने वापस ले लिए। देश के नाम इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उन्होंने क्षमा भी मांगी और उन्होंने ये कहा कि देश के लोगों को एक तरीके से इन कानूनों को समझाने की हमने कोशिश की थी। कुछ किसान जो हैं उन्होंने कुछ शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने इस बात को वो समझ नहीं सके और यही वजह है कि हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। मकसद बेहद पवित्र था। उन्होंने ईश्वर का हवाला देकर, आज गुरु पर्व का हवाला देकर ये कहा कि पूरे आत्म मंथन के बाद ये कानून लाए गए थे। निश्चित तौर पर इसमें कोई मेलाफाई इंटेंशन नहीं था, कोई खराब इंटेंशन नहीं था, लेकिन चूंकि ये नहीं लोगों ने स्वीकार किया इसलिए हम इन्हें वापस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री ने एक बड़प्पन का परिचय देते हुए खुद राष्ट्र से माफी मांगी और कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। इस बात को लेकर तमाम तरीके के सवाल विपक्ष उठा रहा है। कोई इस बात को कह रहा है कि चुनाव आ गया है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी विधानसभा की सीटें 403 हैं और लोकसभा की भी 80 सीटें हैं, तो जो 22 के सहारे 24 देख रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि 12 महीने, लगभग 12 महीने से जाड़ा, गर्मी, बरसात में टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहाँ पर देश भर का किसान जमा हुआ है। और एक आंकड़ा जो किसान संगठन देते हैं, संयुक्त मोर्चा देता है कि 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई है। इस आंकड़े के बाद, इन सब सारी चीज़ों के बाद एक बड़ा सवाल तो है ही कि अचानक सडन प्रधानमंत्री चौंकाते तो हैं ही अपने निर्णयों से सबको, लेकिन सडन आज सुबह 3 कृषि कानून उन्होंने वापस ले लिए। टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज गुरु पर्व था, यानी गुरु नानक देव जी की जयंती। सबसे पहले इस आंदोलन को पंजाब के किसानों ने शुरू किया था, फिर देश भर के किसान उसमें जुड़े, इस दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती, आज उन्हें झांसी और बुंदेलखंड का दौरा भी करना था और रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने थे और इसके सहारे उत्तर प्रदेश का संधान भी करना था। तो ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइमिंग पर बड़ा ध्यान देते हैं। और टाइमिंग किसी के लिए भी हो, एक कोई सफल राजनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस टाइमिंग के लिहाज से उन्होंने आज ये ऐलान किया। मोदी जी ने क्या ऐलान किया, उनके शब्द क्या थे, उनके हाव भाव क्या थे, देखिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से
और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने तुलना की कि दिए के प्रकाश के समान पवित्र, अद्भुत तुलना है। कृषि कानूनों को हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, कुछ किसान भाइयों को। बड़ा सवाल उठता है कि अगर कुछ लोगों को नहीं समझा पाया गया तो फिर वापसी का प्रश्न कहां से उठ जाता है। क्यों वापसी क्यों की गई? तो बहुत सारे मुट्ठी भर लोग थे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार के तमाम लोग इस बात को कह रहे थे जब से यह आंदोलन शुरू हुआ कि भाई बहुत सारे कम बहुत कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं, और तरह तरह की बातें उनको कही गई। किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने कैनेडियन प्रायोजित आंदोलन कहा, किसी ने विपक्ष प्रायोजित आंदोलन कहा, तमाम तम तरीके की बातें कही गई। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा, उसके नेता और राकेश टिकैत, जो देश के बहुत बड़े नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे भी हैं, आज उन्होंने इस आंदोलन को जीतकर एक ऐसी मिसाल पेश की है भारत में कि भारत क्या दुनिया में इतने दिनों तक कोई आंदोलन इस तरीके से सर्वाइव नहीं किया होगा। और इस तरीके से सरकार को विचार करना पड़ा, विचार करना ही नहीं, सरकार को दो कदम पीछे हटकर इस कृषि कानून वापस लेने पड़े। ये आंदोलन की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। और प्रधानमंत्री भी बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े नेता हैं, विराट व्यक्तित्व के नेता हैं, लेकिन देश से माफी मांगकर और अपनी बात उस देश के सामने रखकर, क्योंकि माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा ही होता है, छोटा नहीं हो जाता, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने ये काम किया, बधाई के पात्र हैं। लेकिन बड़े सवालात ये उठते हैं कि भाई ये अचानक क्यों निर्णय लिया गया? दिन भर आज इसी पे चर्चा हुई, अपने अपने तरीके से लोगों ने परिभाषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे किस तरीके से परिभाषित किया, इसे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को समझाया, वो भी सुनना बहुत दिलचस्प है। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र में संवाद की इस योगी जी ने भी कहा, लेकिन विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, जैसे ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की, संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया और दय गोले दागे पड़ा। विपक्ष दय गोले दय गोले दय गोले, इतने गोले दागे कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाव करना बड़ा मुश्किल पड़ गया। जो इस पूरे मसले पर विपक्ष की गोलंदाजी को जरा सुनिए। क्या है इसमें, आप बता दें। हाँ। हमें ना किसी को मंगवानी, ना किसी को अक्षमा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनल सल मैटर है। बातचीत किसी से हुई नहीं और वन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पे, उसका रूपरेखा क्या रहेगी आगे से, और मसले हैं उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है। यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को अक्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है, वही मैं कह रही हूँ। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी
किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। अब तमाम चीजें इस तरह देखने को मिली। पहले टिकैत को सुना, वो एक पक्ष है किसानों का, और उसके बाद आपने विपक्ष को सुना, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी, सब घुमा फिरा के कह रहे हैं कि भाई आपने चुनाव के लिए किया है। विपक्षी नेता ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो इंटरनल रिपोर्ट है उनकी, उनके संगठन की रिपोर्ट और उनके जो तंत्र हैं, खुफिया तंत्र एजेंसियां, उनकी रिपोर्ट ऐसी है, ये विपक्ष का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये आनंद फानन, और इसकी वजह ये बताएगी कि किसान आंदोलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, इस वजह से आनंद फानन तीनों कृषि कानून वापस लिए गए और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया। ये विपक्ष इस तरीके से इसको देख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि माफ नहीं, जनता साफ कर देगी। प्रियंका गांधी खुलकर कह रही कि चुनाव है और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब तमाम चीजें हैं, पक्ष है, विपक्ष है, किसान नेता राकेश टिकैत हैं, तीन पक्ष हैं, एक सरकार है, एक किसान है और तीसरा विपक्ष है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विपक्ष भी किसानों के साथ डटकर रहा। बधाई के पात्र किसान हैं और वो किसान नेता हैं जो हर स्थितियों में डटे रहे, अपने आंदोलन से विरत नहीं हुए और भरसक कोशिश की कि आंदोलन शांतिपूर्वक हो। 26 जनवरी की पिछले साल की घटना को अगर आप छोड़ दें तो बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन एक अलग तरीके का माहौल किसान आंदोलन के खिलाफ बनाया गया, उन लोगों को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन दिखाया, उनके जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसानों को पता नहीं क्या क्या कहा। किसी ने गैंग कहा, किसी ने गिरोह कहा, किसी ने अपराधी कहा, किसी ने गुंडे कहा, किसी ने आतंकवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। उनमें हमारी बिरादरी के पत्रकार भी बहुत सारे हैं। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए, उन किसानों से, उन अन्नदाताओं से जिनका उपजाया हम लोग खाते हैं। अगर ये ना उपजाएं तो हम भूखों मर जाएंगे, इस बात को नोट करके रख लेना चाहिए। हमारे जैसे तमाम पत्रकार जो गांव गली से पैदा होकर देश की व प्रदेशों की राजधानी में पत्रकारिता कर रहे हैं, वो इसका दर्द और मर्म समझते हैं कि गांव का किसान कैसा जीवन जीता है। लपलप गाड़ियों और बहुत अद्भुत सुविधाओं में, आधुनिक सुविधाओं में रहने वाले पत्रकारों को क्या पता। और जो मेरा अपना मानना है कि जो फील्ड रिपोर्टिंग जिसने नहीं की उसको ये दर्द भी नहीं पता है, किसान भी नहीं पता है भारत का। और भारत का अगर किसान के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर आप पत्रकार भी नहीं, ये साफ बात है बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियां। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा जो सवाल उठा रहे हैं हम मंथन में कि भाई इन कानूनों की वापसी के बाद क्या, यही मंथन का मुखड़ा है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसानों की सारी समस्याएं ये कानून वापसी के साथ हल हो गई, क्या उनके सारे मसले हल हो गए, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं मसलों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ प्रगतिशील किसान जिनको लेमन मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक अपनी ना केवल अपने इलाके की तस्वीर बदली बल्कि पूरे देश को एक तरीके से नई राह दिखाई कि लेमन ग्रास की खेती करके आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जो किसान कर्ज और गरीबी और गुर्बत में मरता है, ऐसे किसानों को राह दिखाने वाले भाई आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका के न्यूज में, और बहुत बहुत बधाई आप जैसे तमाम किसानों के लिए भी कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ के इस तरीके का निर्णय लिया, और अच्छी बात है। गलती किसी से भी हो सकती, हमसे आपसे सबसे होती, इंसान गलतियों का पुतला है। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के स्वामी नरेंद्र मोदी ने माफी भी मांगी देश से। मेरा सवाल आनंद जी आपसे यह है कि किसान जो गांव का किसान है, जो छोटे छोटे लघु और सीमांत किसान है, वो क्या इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद चैन सुख चैन से जीने लगेगा, क्या उसकी और कोई समस्याएं नहीं है? आनंद जी जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा कि आज
तीनों कृषि कानून वापस लेकर के बहुत बड़ा दिन दिखाया है देश के सामने, लेकिन कुछ सवाल है किसान। मैं एक किसान हूँ, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रायबली का रहने वाला हूँ, पूरे प्रदेश में जाता हूँ, प्रदेश के बाहर भी जाता हूँ और खेती किसानी को बहुत बारीकी से देखा है। जिस दिन ये कानून आए थे उस दिन हम जैसे सैकड़ों किसान ऐसे थे, हजारों लाखों किसान ऐसे थे जिनके मन में एक आशा जग गई थी कि अब हम अपने माल को देश के कहीं भी किसी भी मंडी में किसी भी व्यापारी को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या कारण रहे उन पे हम प्रकाश नहीं डालना चाहते, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, लेकिन आज उन कानूनों को वापस करके प्रधानमंत्री जी ने जो भी उनकी बाध्यताएं रही हूं कैसे किया वो चीज बड़ा दिल दिखा करके दरिया दिली दिखाई है, लेकिन किसान की समस्या इस कानून को, तीनों कानून को वापस करने से हल होने वाली नहीं, बल्कि किसानों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। किसान दिनों रात खेत में रखवाली करता है, उसको पानी के साधन होने चाहिए, उसको प्रॉपर बिजली मिलनी चाहिए जो काफी हद तक अब मिल भी रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें किसानों के पक्ष में एड करने की जरूरत है और गवर्नमेंट के पास किसानों का पूरा डाटा है। किसान सम्मान निधि आती है उन्हें चार चार महीने पे दो दो हजार करके, इस तरह सभी किसानों का डाटा है। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी चौहान जी, आपने कहा कि लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, वो किसानों की बात नहीं जान सकते, लेकिन इन कृषि कानूनों को समाप्त करके एक कुछ नई चीजें ऐड होनी चाहिए। मैं पक्ष और विपक्ष सबसे एक किसान होने के नाते मेरी अपील होगी, अगर देश को मेरा ये पसंद आता है सुझाव कि जो भी चीजें हैं, जो भी लग्जरियस चीजें हैं, मान लीजिए एक आदमी नौकरी करता है या कुछ व्यापार है उसका, वो एक गाड़ी लेके आता है फॉर्च्यूनर और किसान के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, वो उससे राम राम करता कि भाई राम राम, तो उसको तकलीफ होती है उस चीज को देख करके कि हम भी कोशिश करें कि हमें पास भी ऐसा है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो कानून को भले समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मेरी सरकार से और सरकार के सभी नुमाइंदों से ये अपील होगी कि एक नए प्रकार का सेस लगाया जाए, किसान सेस, जो लग्जरी चीजें खरीदते हैं, होटल्स में जाते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं वो संपन्न लोग हैं, उनमें कुछ किसान सेस लगा करके वो पूरे महीने में इसका एक मॉडल बनाया जाए और उस पैसे को किसान सम्मान निधि में एड करके भेजा जाए भाई साहब, तो किसानों की हालत जरूर सुधरेगी और उसे दूसरे को बढ़ते हुए देख करके भी खुशी होती है। खुशी ऐसे भी है, लेकिन तब उसकी खुशी और दुगनी हो जाती है कि एक ये भाई साहब आ जाए फॉर्च्यूनर लेकर के, इसमें से दो रुपए हमें भी मिलने वाला है, देश के किसानों को मिलेगा, हमारी ऐसी सोच होएगी, मुझे लगता है कि तभी देश का किसान आगे बढ़ पाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि भाई कुछ करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसको पता नहीं अब तक की सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि खाद के दाम दो गुने हो गए, बोरी छोटी हो गई, वजन कम हो गया, बिजली महंगी हो गई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली किसानों को महंगी मिल रही है, पानी खेतों को मिल रहा है, नहरें, मुझे लगता है अब सुधार हुआ हो तो बहुत नहीं सुधार हुआ, लेकिन पिछले बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नहरें उतनी गति से नहीं चलती हैं, समय पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है और किसान उलझता रहता है। किसान के बारे में वो लोग चर्चा करते हैं, वो लोग टिप्पणियां करते हैं, वो किसान को फटेहाल और भीख मांगने वाला भिक्षुक समझते हैं। वो समझते हैं कि किसान फटेहाल, फटी चप्पल, फटी एड़ी हो, वही किसान है। अगर कोई किसान फॉर्च्यूनर में चल रहा है और किसान ने बड़ा मकान बना लिया तो कहेंगे ये दलाल है, ये आतंकवादी है। इस आंदोलन में इसी तरह की टिप्पणियां तमाम सामने भी आई, तमाम नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियां की और हमारे जैसे तमाम पत्रकारों ने भी इस तरीके की बातें किसानों को कह के उनका दिल दुखाया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और उन अपने साथियों की तरफ से मैं उन सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरी बिरादरी के लोग हैं, इस तरह की बातें इन लोगों ने की हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, इस तरह उन नेताओं को, उन पत्रकारों को भी सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए किसानों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आनंद जी यही है कि क्या गांवों में यूरिया और डीएपी खाद मिल रही है, क्या समय पर सिंचाई की व्यवस्था है,
क्या उनकी उपज को बेचने के लिए जो मार्केट है, जो जो बाजार है, क्या उनको एक अच्छा खासा जो उनकी लागत है, क्या लागत से डेढ़ गुना या दो गुना उनको पैसे मिल पा रहे हैं अपनी उपज का? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा। जी, जहां तक डीएपी यूरिया का सवाल है, हमारे साथ प्रदेश और देश के काफी किसान जुड़े हैं, तो डीएपी यूरिया के बीच में थोड़ी सी किल्लत आई थी, लेकिन कंट्रोल है। पानी का साधन, हम एक दूसरे पे दोष भी नहीं दे सकते। हमें पानी के जो सिंचाई के साधन है उसमें ड्रिप पद्धति, स्प्रिंकलर लगा करके जो बल्क क्वांटिटी में पानी यूज करते हैं उसका थोड़ा सा कम करेंगे तो वो पानी जब सेव होगा तो वो किसी न किसी किसान के खेत में आने वाले समय में जाएगा। बिजली की जो दिक्कत है, बिजली पूरा मिलती है। हम गांव में रहने वाले हैं रायबरेली के, मुझे 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन एक चीज की दिक्कत है, यूपी गवर्नमेंट ने किसानों के खेतों में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन से जो एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए हैं उसमें मीटर लगा दिया है। अब आप समझिए, जिसके पास 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर की मोटर्स है वो उस यूनिट के हिसाब से खेत में बिजली कैसे दे पाएंगे, ये अनप्रैक्टिकली बात है। तो हमारा ये भी एक निवेदन रहेगा कि अगर जो भी हमारी डिबेट को सुन रहे हैं, जो भी सक्षम लोग, वो इस चीज पे जरूर विचार करें। कई सारे प्रदेशों में देखते हैं कि वहां पे बिजली फ्री है सिंचाई के लिए, लेकिन हमारे खेत में खुद मीटर लगा हुआ है, 3 किलोवाट का कनेक्शन है और उसका हमें बिजली का बिल रीडिंग के हिसाब से देना पड़ता। आप सोचिए कि कितनी पीड़ादायक बात है। आनंद जी, बड़ा अहम मसला आपने उठाया है कि अगर मीटर के किलोवाट के कनेक्शन या बिजली के मीटर से अगर किसान बिल देगा तो बर्बाद हो जाएगा, वो अपनी जमीन भी बेच के बिल नहीं दे पाएगा, बड़ी हालत इससे खराब हो जाएगी। तो जो इस तरीके की चीजें हैं, हवा हवाई बातें करने के बजाय कि बहुत हवा हवाई कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इन बातों के बजाय अगर इन इन चीजों पर सरकारें या सरकार ध्यान लगाए तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को एक शामिल करके एक्सपर्ट कमेटी बनाए, प्रदेश स्तर पर कमेटी बने, जिला स्तर पर कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पर कमेटी बने और एक किसानी को एक बहुत सीरियस तरीके से सरकारों को लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आनंद जी, फिर कभी इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर मिलेंगे। तो आनंद जी मिश्रा जी, जो बहुत लेमन मैन के नाम से जाने जाते हैं, बहुत प्रगतिशील किसान हैं, उनकी उनसे जो बातचीत हुई उस बातचीत में एक बात तो निकल कर आ गई जिसकी इस पर हम लोग ये मंथन कर रहे हैं और चिंता भी हमें थी कि भाई वास्तव में समस्याएं क्या हैं किसानों की। समस्याएं पूरी तरीके से जाने बगैर उन पर बातें शुरू हो जाती हैं, उस पर बयान शुरू हो जाते हैं, उस पर फैसले शुरू हो जाते हैं। जो एक तरीके जो सेक्रेटरिएट में बैठे आईएएस अफसर जो नोटिस लगाकर भेज देते हैं वही ब्रह्मा की लकीर हो जाती है और ये सरकारें उसी आधार पर किसानों की किस्मत लिख देती और इस मामले में भी यही हुआ और यही वजह है कि आज इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री को राष्ट्र से माफी मांगनी पड़ी। हमारी शुभकामनाएं उन किसान नेताओं को, किसानों को और देश भर के उन अन्नदाताओं को जिन्होंने ये अपनी लड़ाई लड़ी और वो जीत गए, उन लोगों को भी हमारे श्रद्धा सुमन जो इस आंदोलन में नहीं रहे, अपनी जान गंवाई।